नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर के कुछ खास खबरों के साथ। फतेहपुर जिले के खागा तहसील क्षेत्र धाता थाना कस्बे का मामला, एक साल से सगाई के बाद शादी से इनकार किया, तब से राम सजीवन सोनकर अपनी बेटी अंजलि की शादी के लिए प्रधान से लेकर जिले के पुलिस अधीक्षक से भी गुहार लगाई, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। आप लोगों को बताते चले कि बदल सोनकर के बेटे ने राम सजीवन सोनकर की बेटी अंजलि से बेहद प्यार करता था और दोनों एक दूसरे से मिलते थे, लेकिन जब ये मामला राम सजीवन सोनकर को जानकारी हुई तो अपनी बेटी अंजलि को डांटते हुए विजय से मिलने के लिए मना किया। लेकिन दोनों एक दूसरे से नहीं मिलते थे तो चैन कहां। विजय ने एक मोबाइल अंजलि को दिया जिससे मिलना जुलना आसान हो गया, लेकिन एक दिन अंजलि की माँ ने फोन से बात करते देख घर में बताया और मोबाइल छीन लिया और ये विजय के माँ बाप से बताए और यहाँ तक कि रिश्तेदारों को भी पता हुआ तो समाज में दिक्कत आने लगी। तब अंजलि और विजय की शादी की बात हुई तो विजय के घर वालों ने शादी करने से इनकार किया। तब मामला धाता थाना प्रभारी के पास पहुंचा तो थाना प्रभारी ने दोनों को समझाया और शादी के लिए राजी हुए। यहाँ तक कि 2020 में सगाई भी हो गई और उसके बाद 10 तारीख शादी के लिए तय हो गई और 9 तारीख को शादी से इनकार कर दिया विजय के भाई बबलू ने। तब से राम सजीवन सोनकर अपनी बेटी और पत्नी को लेकर थाना सीओ और पुलिस अधीक्षक के दफ्तरों के चक्कर लगाते रहे। एक दिन अंजलि के बहनोई ने एमपी न्यूज कास्ट चैनल की खबर देकर सोचा और व्हाट्सएप से नंबर निकालकर पत्रकार विकास परिषद फतेहपुर जिला अध्यक्ष संजय पटेल के पास फोन किया और कहा कि मेरे ससुराल का ऐसा मामला है। तब संजय पटेल ने पत्रकार विकास परिषद खागा कार्यालय बुलाया और इन लोगों की बात सुनकर धाता थाना प्रभारी से बात किया और पुलिस क्षेत्राधिकारी गयादत्त मिश्र के यहाँ पेश करते हुए बयान करवाया और खागा सीओ से बेटी अंजलि के प्रति न्याय करने के लिए कहा। तब खागा पुलिस क्षेत्राधिकारी गयादत्त मिश्र ने दोनों पक्षों को बुलवाया तो लड़का पक्ष कई दिनों तक नहीं आया तो पीड़ित परिवार ने फिर कहा खागा पुलिस क्षेत्राधिकारी से। तब खागा सीओ ने दीवान जी को बुलाया और कहा कि इस मामले में धाता थाना प्रभारी को मुकदमा दर्ज करने के लिए आदेशित किया। बात दें आप लोगों को कि 4 दिनों से मुकदमा नहीं लिखा गया, फिर जब अधिकारियों का दबाव बना तब लड़का पक्ष को पकड़ कर लाए और पूछा कि जेल जाना चाहते हैं कि शादी करना चाहते हैं तो शादी के लिए तैयार हुए, जो आज दिनांक 13 जुलाई 2021 को खागा कोर्ट में कोर्ट मैरिज हुआ और खागा तहसील परिसर में हनुमान जी के मंदिर में जयमाल और सिंदूर बंधन और फेरों के साथ विजय और अंजलि एक दूसरे को पति पत्नी के रिश्ते को स्वीकार किया और वैवाहिक जीवन व्यतीत करने की कस्में खाई। बता दें कि विजय के माता पिता और अंजलि के माता पिता एक दूसरे से गले मिले, मिठाई खिलाई और पीछे जो हुआ उसको बुलाकर रिश्ते को मजबूत किया और दोनों तरफ के रिश्तेदारों में भी खुशी का माहौल देखने को मिला। आइए सुने क्या कहा विजय और अंजलि ने और लड़की के पिता ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट ब्यूरो संजय पटेल की कवरेज फतेह। आ जाइए भाई, आप बैठ जाओ। बस हाँ एक बैठ जाओ और Thank you.
अब इसको थोड़ा सा इधर ये बबलू लड़का है, बबलू भाई है। अरे नाम से बहुत कर्म कर दी नहीं लड़का सबसे छोटा है, उससे तीन की शादी नहीं है, तीन बहन की नहीं शादी है, एक की अभी शादी की है। मुझे पूछा कर है पहले तब उसके बाद में आगे बातचीत की थी। बताएं सर उन बात की है लेकिन किसी की नहीं मानता है ये। साथ में कितना लिखा? 1600। और पहले प्राइमरी कहाँ पढ़ा था? मालूम नहीं, 1600 की फिर लिखा है मैंने। लड़की बनवा ले लिया? अब हाँ साल में 12 में लिखा था लिखा है। हैं? 11 में खा गो में हाँ 12 में लिखा है। 12 में खा गया। दया थाने थाने से पुलिस वाले बोले कि तुम प्रधान जी के पास जाइए। तो प्रधान जी बोले कि जाइए, वो नहीं सुन रहा हमारे न किसी की सुन रहा है, जो कुछ उसे करते आए जो करिए। आपका विजय कहाँ रहते हैं? धाता में। ये जो आपने शादी की है तो ये अपने इच्छा से की है कि दबाव बस? जी अपनी इच्छा से। अपनी इच्छा से। आप क्या जन संदेश देना चाहेंगे? बोल रहा हूँ आजकल लड़की अपने बाप माता के घर नहीं जाती। अच्छा, लोग खुद जी जी यानी कि आप शादी करके ले जा रहे हैं, आप अपने घर रखते हैं। आप इस शादी से संतुष्ट है ना? जी। क्या नाम है आपका? अंजलि। ये जो शादी किया है आप लोगों ने, किसी के दबाव में तो नहीं थी? नहीं। आप लोग अपनी मर्जी से किए हैं? अपने माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे? अपने माँ बाप को बस इतना कहना चाहते हैं कि आप मुझे मेरे पति नहीं भेजना चाहते तो मैं नहीं आना चाहती। अच्छा, यानी कि ससुराल वाले जब भेजेंगे आप तब मायके जाएंगे? जी। चलिए बहुत अच्छी बात है।